तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपका भाई फिर से आ चुका हूँ दिल बेचारा ब्लॉग, फिर से नया ब्लॉगिंग वीडियो लेके। तो आज हमारे गांव का मेला है, दशहरा का मेला है जैसे कि। और देखिए कितना भीड़ है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे, काफ़ी पब्लिक आता है। और माता रानी का मूर्ति है यहीं पर। तो आज का ब्लॉगिंग वीडियो मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। काफ़ी हल्ला हो रहा है, शोर शराबा है। तो मैं आज दिखाता हूँ आगे का वीडियो आप लोगों को। तो देख सकते हैं आप लोग, कन्या पूजन हो रहा है, कन्या को खिलाया जा रहा है हमारे घर पे आज। तो नवरात्रि का जैसे नवमी है आज, नवमी के दिन हमारे यहाँ पे कन्या खिलाया जाता है। तो कन्या खिलाया जाता है, खिला रहे हैं। और भी प्रोग्राम है जो मैं आगे वीडियो बना पाऊँ कि ना बना पाऊँ, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं अभी का वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी दिन हो गया जैसे कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो नवरात्र का, इस नवरात्रि का माता रानी का वीडियो भी शूट करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए रिया कुमारी को, ये खा रहा है, ये सब्जी नहीं लिया, ऐसे खा रहा है। हेलो, क्या कर रहे हो रिया? ये क्या है आपका? क्या है ये? क्या है? एक क्या है ये? क्या है? बाबू है। बाबू है वो? वो बाबू है। क्या गुड्डा बाबू है? कहाँ से लाया? बाजार से लाया। इधर देखो, हाय बाय करो। कैसे हो? अच्छा। ठीक हो आप? क्या कर रहे हो? क्या मेरे से पूछ रहे हो? रिया कुमारी, रिया कुमारी, ये गुड्डा लेके खेल रहे हो आप? ओ ओ, ओ। क्या कर रहे हो आप रिया? मैं कन्या पर लटकाती हूँ। रिया, ओ रिया, खाना खा लिया आपने? क्या खाया? रोटी, सब्जी, दाल, दाल भी खाया, चाय भी पीते हो आप? और क्या खाया? मैगी? कैसे लगा? अच्छा लगा? अच्छा। क्या बात है। और आपकी दीदी खाया? क्या खा रहा है आपकी दीदी? रोटी? रोटी खा रहा है। ओ, और आप क्या कर रहे हो? झूला झूल रहे हो? तो बोल दो हेलो। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ना रिया, बोलो हेलो दोस्तों। ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। नहीं 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 चलो ठीक है, बाय कर दो, बाय कर दो रिया। हाँ लिट्टी का चोली का ना, हाँ गरम गरम लिट्टी का चोली, गरम गरम गाले लिट्टी का चोली। भजन को गान आना चाहिए, भजन में राम का नाम ना, भजन को गान आना चाहिए। ये इस तरीके का ब्लफ है जो एक बार चार्ज होता है तो चार घंटे तक लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक ये ब्लफ चलता जलता रहता है। ट्रेन में देखिए ऐसे ऐसे चीज़ भी बिकता रहता है जो ज़रूरत चीज़ है घर का हर इंसान का।
तो देखिए ये ना इसमें कुछ भी है, अर्थ हम मिलना चाहिए, अर्थ देने के बाद ये अपने आप देख रहा हूँ जल रहा है, उंगली लगाने पर जैसे कि गीला होना चाहिए हाथ, ये तो कहीं से भी अर्थ मिलना चाहिए, ऐसे चीज़ों से ये बल्ब जलने लगता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसे बल्ब जल रहा है। तो देखिए अभी भाई साहब चला के दिखाएगा इस बल्ब को, ज़्यादा उसमें कोई प्राइस भी नहीं है, 80 रुपये या 100 रुपये तक का दे रहा है। तो देखते हैं जला के इसको, चेक करते हैं, आप इसको जला के दिखाइए उंगली लगा के, चाहे सीट का जो येलो आया है इसमें चिपका के।